भेजा तो काफ़ी प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैंने सर को या आज भाई जी को या शमीम जी को बहुत 10-12 साल का एक वो जाते हैं और काफ़ी मेहनत करके देखा है, और आज उन्होंने कुछ अचीव किया लाइफ में, इसलिए मैं उसमें अरे किरदार आईपीएस दिखे हूँ मैं, और क्या पुलिस वाली हूँ, मारधाड़ करूँगी मैं, थोड़ा तो मैं भी होगा आगे आगा, और एक्टिंग कर मैं थोड़ा अलग हूँ जिसको सिर्फ एक्टिंग मोड में नजर नहीं आएगा, इसलिए वो भी कुछ और करने वाला है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमेशा से मैंने एक्शन की फिल्में की हैं और बहुत टाइम से थोड़ा ब्रेक लगा रखा था, बट शमीम जी ने कहा कि नहीं अभी फिर एक बार एक्शन करते हैं और आई एम एक्साइटेड। फिल्म की शूटिंग की बात की जाए तो कहाँ होएगी? अभी सब 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 एकदम सीक्रेट है, अभी तो कुछ भी पता नहीं है, और जैसे जैसे अपडेट आएंगे तो डेफिनेटली अपडेट्स मिलेंगे आपको। फिल्म की स्टोरी पूछ ही लिया, एक्शन पूछ ही लिया, रोमांस पूछ ही लिया, तो अभी अलग कुछ मिलेगा इस फिल्म में, और नो डाउट मैं तो जब हम बोलते हैं और हम तो पहली बार आ रहे हैं तो ये वाकई में डिफरेंट। हाँ काफ़ी दिन से जानते हो पर एज अ पेयर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और भोजपुरी में कोई हीरोइन अगर हीरो है तो वो सिर्फ एक यही है, और मैं इनको पर्सनली बोलता हूँ, तो वही एक्शन के साथ इनका जो रोमांस मिलेगा काफ़ी अलग मिलेगा इस बार, और काफ़ी मज़ा आएगा ऑडियंस को। आदि आज स्टूडियो को अपनी हुआ स्टूडियो का कुछ कहना चाहेंगे? हाँ स्टूडियो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं राज सिंह जी को और शमीम सर को, काफ़ी खास है हमारे लिए, काफ़ी अच्छे मित्र है मेरे और पुरानी पहचान है, मैंने दोनों लोगों के साथ एक फिल्म पहले भी की है, दिल दिया है, जान भी देंगे, और काफ़ी अच्छी म्यूजिक थी उसकी, गीता मैम ने और सर ने गाने गाए थे, और काफ़ी अच्छी फिल्म गई थी वो, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिलीज़ किया और मज़ा आया। ये दूसरी फिल्म मैं सर के साथ करने जा रहा हूँ, और प्राउड फील होता है कि अगर कोई मेकअप बार बार रिपीट करता है तो सो मज़ा आएगा मुझे आईपीएस दुबे करने में। आईपीएस दुबे के डायरेक्टर समीम जी काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ पिक्चर कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे, जब हमारी लास्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी 2019 में हुई थी, 2019 हुई और 20 आपको लॉकडाउन में ही चला गया, फिर 21 फिल्म कर रहे हैं, तो अगर एक डायरेक्टर साल में कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं तो बहुत दिन बाद नहीं बोलूँगा मैं। 18 में हमने शुरू किया, 2018 में रिलीज किया है जान के लिए, 19 में रिलीज किया है, 20 में इंडस्ट्री में सबका वही हाल है, और 21 में फिल्म किया न्यू मूवी। रानी जी आदित्य मोहन जी के काफ़ी फिल्में आ चुकी है, पहले बार करने जा रही हैं उनके साथ काम, दोस्ती बहुत अच्छी है, कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे आदित्य के बारे में? आदित्य के साथ मैंने एक सॉन्ग किया था जो हाल ही में रिलीज हुआ है, और लोगों ने पसंद किया उस गाने को, और बहुत टाइम से प्लान चल रहा था कि हम लोग फिल्म करेंगे साथ में, बट हो नहीं पा रहा था, अनफॉर्चुनेटली शमीम जी ने ये मौका दिया, और मैं एक्साइटेड हूँ, जब अच्छा एक्टर साथ में होता है तो हमारा भी नया टैलेंट निकल के बाहर आता है। आदित्य मोहन का नाम है दुबे, टाइटल में दुबे लगा हुआ है, वो रानी चटर्जी के ऊपर दुबे चला गया इस बार। अरे दुबे हो या दुबई हो, दुबे तो है ही ना, दुबे दुबई। ऐसे भी रानी जी के साथ जितने हीरो आए हीरोइन ही बन के आए, दुबे तो दुबे जी हो जाएगा। दीपा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या आज आज क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडियो को ओपनिंग में राज सिंह जी? मैं कहना चाहूँगी कि कलर वर्ल्ड स्टूडियो आज ओपनिंग होने जा रहा है, उसके लिए मुझे राज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, समीम जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द स्टाफ एवरीबॉडी प्रोड्यूसर एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, अच्छा चले, और हमारे बीच में कलाकार समीर सिंह जी हैं, उनको बहुत नमस्कार, आप सबको नमस्कार। तो आपके घर के सामने स्टूडियो खोला तो बिजी रहने वाला स्टूडियो है। हाँ, मुझे खाना खाया है, गायक चलेगा, बॉलीवुड में आपका क्या कुछ नया कुछ खास आने वाला अभी? गाने में तो मैं कम करती हूँ, कम कर रही हैं, मेरा तो भोजपुरी में ज्यादा है, रीजनल में ज्यादा करती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ भोजपुरी में। दिल्ली के गाने हैं, अच्छा दिल्ली के गाने हैं, और मेरे डायरेक्शन में दिल्ली और उदित जी रहते हैं, सर के डायरेक्शन में फिक्स हो गए, तो उदित जी तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। उदित जी
आने वाले हैं। मतलब बड़ा गेस्ट आ गया, छोटा गेस्ट बाद में आएगा। शिवरात्रि है ना, ढंग भी आ गई। हाँ उदय जी को वृंदावन शुरू हो गए, आ जाएंगे जरूर जरूर। शुभकामना भेजे उदय जी ने सुनील जी के लिए, रांची के लिए, रानी के लिए, आप सबके लिए, मतलब जो भी है यहाँ पे, तो मैं उनके बिहार में। धर्म जी इधर है, धर्म जी शुभकामना, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू समीम सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज स्टूडियो को? आप बता दीजिए अपने तरीके से। और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, मुझे लगा कि राधे जी और मैं आदित्य के बारे में कहना चाहूंगी कि मैं भूल गई थी एक्चुअली, एक फिल्म थी जिसमें मेरी शादी कराई जा रही थी और हीरो सामने अखाड़े में लड़ाई चल रहा था, तो जब मैंने अपने राइट साइड देखा तो मेरा दूल्हा बैठा हुआ था, वो दूल्हा आदित्य बात है और दो दिन से हम दोनों का काम सेट पे से बैठे रहे थे, शॉर्ट में लॉन्ग शॉर्ट में सिर्फ हम दोनों दिख रहे थे, तो बैठे और बैठने वाला ही काम था, तो मेरी थोड़ी बातचीत हुई थी और तभी नए नए शायद आए थे, सो वो एक जर्नी और अभी मेरे साथ ऐसा ही हो, तो इसके लिए आप मतलब 2006 का भागा हो तुला आज मिल गया। एक्चुअली मेरी जो शुरुआत भी भोजपुरी और विजय पथ से नहीं, एकदम की मलयुद्ध रवि जी और रानी जी उसमें टॉप पे थे, एकदम जोड़ी हिट। उस टाइम में असल में एज अ जूनियर आर्टिस्ट भी आप बोल सकते हैं, मैं असल में था और एक फिल्म है, एक फिल्म में दिखता हूँ 2012 की बात है, 11 मैंने शूट किया था और टचुट महादेव के आशीर्वाद से इनकी फिल्म में एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम करके फिर इनके साथ मैंने एक गाना किया और आज मैं इनकी फिल्म का हीरो। बस 2012 से 21-28 साल लग गए पाँच मिनट। सर आप बैठो ना, वहाँ लाइट ही है, काला काला पैसा थोड़ी हुई थी नहीं, इधर कर लो, अब इधर कहाँ से लेके वहाँ लाइट नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा, इधर आइए ना, सेंटर में आइए ना, प्लीज प्लीज यहाँ आइए। रानी जी का, आदित्य जी का हो गया, उनको इधर सेंटर में लाओ तब हो पाएगा। ब्लैक ब्लैक कह रहा है, ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। ऐसे कर ले, चलो चलो संजय भाई चलो। तो है जी मतलब नहीं है सनम जी, आज स्टूडियो को अपने क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं देखा, राइटर की कमी है, डायरेक्टर की कमी है, एक्टर की कमी है,
इसी के लिए हम लोग शुरुआत कर लिया, तो कोई और भी आ रहे हैं। ये स्टूडियो कहाँ पर खुला जा रहा है, एड्रेस बताएं। ये स्टूडियो कहाँ खुला है, एड्रेस बताएं जरा। थैंक यू सर। राज सर आप वहाँ पर, आप वहाँ पर जी ना। छोटू करो। राज सर आज आज आपका स्टूडियो को ओपनिंग हुआ, क्या कुछ करना चाहेंगे? आपके परम मित्र उदित नारायण जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? दीदी आ गई ना, और एक फिल्म का मुहूर्त भी हुआ, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? म्यूजिक देने के लिए टाइम जो है ना, थैंक यू सर। सर आप यहाँ पर आइए सर। सर आज राजसेन जी का नया स्टूडियो को ओपनिंग हुआ, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं राजसेन को, रानी जी को, दीपा जी को, सबको आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये जो इन्होंने शुरुआत किया है आज स्टूडियो में, हर चीज़ की फैसिलिटी है, डबिंग, म्यूजिक, म्यूजिक सब, एक नया स्टूडियो बनाया और एक युग की नई शुरुआत है, तो मेरी ढेर ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर आपका स्टूडियो ओपनिंग हुआ है मुंबई में, कुछ कहना चाहेंगे? तो लाउड लाउड थोड़ा। बहुत बड़ा दिन ऐसे तो 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं, काम करने का मौका अभी मिला है। भोजपुरी में अच्छी फिल्म लाना हमारा मेन मकसद है, और एंटरटेनमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट, जो सब लोग साथ में बैठ के देख सकें, एक ऐसा अप्रोच रहेगा। और एक फिल्म का मुहूर्त भी है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, हीरोइन और हीरो दोनों फेमस है, और भगवान की दया से बहुत अच्छी जाएगी। प्रोड्यूसर भी फेमस है, प्रोड्यूसर धीरे धीरे फेमस हो जाएगा, पहली पिक्चर है ना, करेंगे। कब से शुरुआत हो सकती है इस फिल्म की, बताएंगे? बस पूरा सेटअप कर रहे हैं, थोड़ी दिन में अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।